अभी हमारा टोटल हम इसमें चल सकते हैं दोस्तों 70 किलोमीटर, और अभी आप देख रहे हैं 4592 किलोमीटर हो गए हैं। देखते हैं और कितना ये बैटरी खपत होता है इसमें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का बटन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज हम अपना ट्रियो ऑटो का लोडिंग कैपेसिटी देखते हैं कि इसमें हम कितना लोड लेके जा सकते हैं। इसका टोटल वेट तो है 377 किलो और इसमें हम 300 केजी के पास और ले सकते हैं, यानी कि ग्रास वेटिंग इसका 600 किलो है। तो देखते हैं आज हम इसमें कितना लोडिंग उठा सकते हैं। अभी तो इसमें मैंने फल वगैरह डालना शुरू किया है लोडिंग के लिए। अभी इसमें हमने फली और जाम और स्ट्रॉबेरी डाल लिया है, अभी इसमें और डालेंगे, फिर देखते हैं ये कितना इसका लोड कैपेसिटी है। देख रहे हो दोस्तों हमारा ट्रियो लगभग पूरी तरह से फुल होने को है। इसमें हमने बहुत सारा लगेज डाल लिया है, कैरेट वगैरह फल का आप देख ही रहे हैं। ये लगभग टोटल इसका वेट हो गया है, लगभग ये पूरा वेट का लगभग 2 क्विंटल के पास हो गया है। देखते हैं और इसमें कितना लोडिंग कर सकते हैं अपन लोग। ये काले खरबूजा बाँचे अच्छे की था। दोस्तों तो हम आ गए अपने मंजिल में और हमने अपने ट्रियो में लगभग 4 क्विंटल के पास लोडिंग किए हुए थे। दो बंदे बैठे थे और ये लोडिंग वगैरह है। और आज हमारा ट्रियो का रीडिंग कुछ गलत ही दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जब बचे थे तब 70 में निकले थे और ये अभी 32 बटा है और ये निकले थे 4592 में। और तो ये टोटल चल गया है दोस्तों, ये टोटल चल गया है आपका 44 किलोमीटर, जबकि इसमें अपने को 38 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि इसमें डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। इसमें अपने को इसमें कुछ, यानी कि टोटल ये 22 होना चाहिए, इसमें 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखा रहा है अपने, यानी कि ट्रियो में कुछ ज़्यादा ही माइलेज दिखा रहा है। अब ये फॉल्ट है क्या है इसको शोरूम में अपने को बताना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ट्रियो का लगेज, इसमें लगभग 4 क्विंटल के पास लाए हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपना घर और अभी भी हमारा ट्रियो का माइलेज कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। मैं आपको अपना ट्रियो का डिस्प्ले दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ आप देख ही लीजिए, अभी भी ये कुछ ज़्यादा ही इसमें माइलेज शो कर रहा है। देख लीजिए दोस्तों, जब हम लोग फल मंडी से निकले थे तब यह टोटल था 4592 किलोमीटर, तो ये अभी हो गया है 4650, यानी कि ये टोटल 58 किलोमीटर चल गया है। और ये 70 था दोस्तों और ये अभी तक चला है 52 किलोमीटर। तो इसी में आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें टोटल आ रहा है 6 किलोमीटर का डिफरेंस, जबकि अपने हम लोगों ने इसमें लोडिंग किया था लगभग 4 क्विंटल के पास इसमें लोडिंग किया था। तो ज़्यादा इसमें जब लोडिंग करते हैं तो इसका एवरेज ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। और आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका एवरेज कैसे अपने को ज़्यादा दिखा रहा है। और जब मैं इसको घर से निकला था तब ये टोटल इसमें हम लोग 128 किलोमीटर चल सकते थे, जबकि ये बचा है अभी 18 किलोमीटर, यानी कि 110 किलोमीटर चला हूँ दोस्तों। जबकि मेरा घर से फल मंडी की दूरी लगभग 58 किलोमीटर, वो भी खाली खाली गाड़ी में, जबकि कुछ भी लगेज वगैरह नहीं डालेंगे तब। जबकि दोनों का 58 58 अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है वो 116 किलोमीटर। तो 116 किलोमीटर चलना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी इसमें कुछ ज़्यादा ही एवरेज दिखा रहा है। तो यह फॉल्ट है कि क्या है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ जानकारी हो तो कमेंट करके बताना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।